जय श्री राम। प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा हमारे हृदय से आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही उपयोगी साधन बताने जा रहे हैं। केवल 11 बार हमारे साथ कीजिए और चमत्कार देखिए, निश्चित ही चमत्कार होगा अगर आपने लगातार 11 बार कर लिया। करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो प्यारे भक्तों, हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में ठहराव लाना बहुत ही जरूरी है। अब ठहराव का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े हो जाओ एक जगह तो ठहराव आ जाएगा, नहीं। ठहराव का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर से ठहराव लाना है। बाहरी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर, क्योंकि अंदर ही वो शक्ति है जो जिस शक्ति से ये सूरज चांद जगमगा रहे हैं, जिस शक्ति से ये आपका पूरा शरीर बना हुआ, जिस शक्ति से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो रखी है, उस शक्ति को आपको जगाना है। वो शक्ति आपकी सोई हुई है, तो उस शक्ति को जगाने के लिए ही हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है, श्वास रोकने की प्रक्रिया करनी है आपको 11 बार। अब देखो, अगर आप सीधा ही श्वास रोकोगे, ऐसे अभी मान लो आप बैठे हो और आपने श्वास रोक दिया, तो बहुत ही मतलब कम समय के लिए श्वास रुकेगी। अगर आपने एक बार लंबी गहरी श्वास ली और अब आप रोकोगे तो थोड़ा सा ज्यादा रुक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा रोकने के लिए आपको पहले 11 बार लंबी गहरी श्वासें लेनी है और फिर आपको श्वास रोकना है। जितनी देर भी रुके, किसी की आधी मिनट रुक जाएगी, किसी की 1 मिनट रुक जाएगी, जो पुराने साधक हैं उनकी 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा जो उच्च श्रेणी के हो जाते हैं उनकी 2-2 मिनट भी रुक जाती है। और श्वास रोकने से आपके अंदर ये ठहराव आएगा, ये पक्का है, और वो जो शक्ति है वो जागृत होगी। इसी से आपके सारे चक्र जागृत होंगे, और जब वो मेन शक्ति जागृत हो जाएगी तो फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको बिन मांगे देगी, उसको स्वयं पता। लेकिन पहले उसको जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए ही हम आपको ये बता रहे हैं। तो श्वास रोकने से एक तो इतने सारे ये लाभ हैं, ऊपर से आपकी आयु बढ़ेगी, क्योंकि जितनी देर आपने श्वास रोकी उतनी देर आपकी श्वासें मतलब बंद हो जाती है चलनी। और हमारी ये श्वासें जो हमें मिली हुई हैं ये गिनती की हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, निर्भर आप पर है। आप अपनी आयु को घटा भी सकते हो और अपनी श्वासों को रोककर या फिर लंबी गहरी श्वास लेकर आप अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हो। एक तो श्वास रोकने से बढ़ेगी, एक लंबी गहरी श्वास लेने से। अब छोटी श्वास लोगे, जल्दी जल्दी लोगे, तो आपकी आयु घटेगी, क्योंकि वो श्वास ज्यादा ली जाएंगी। तो अब देखो, ऐसे 11 बार पहले श्वास लेंगे, ऐसे मैंने 11 बार श्वास ले ली, 11 बार लेके रोकनी है, ठीक है। मैं तो जितनी देर रुकेगी उतनी देर मैं तो रोक लेती हूँ, लगभग 2 मिनट के लगभग, उससे भी ज्यादा रुक जाती है कई बार। लेकिन आपकी जितनी देर रुके उतनी देर रोकनी, मैं 2 मिनट रोक के नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी देर मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी देर आपकी रुके आपको 11 बार लेके और श्वास को मतलब छोड़ के और फिर रोक देना अंदर ही। अभी हमने थोड़ी सी देर रोक के बताई, हम और भी रोक सकते थे लेकिन वीडियो लंबी ना हो। आपको देखो, जब सांस रुकी हुई होगी, आपको अगर कोई पुराना साधक है तो उसको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा पहली बार के ही सांस रोकने में। 11 बार तो हमने बहुत ज्यादा बताई है। क्या होगा, आपके जो चक्र होते हैं वो जागृत, उनकी शक्ति जागृत होने लग जाती है। जैसे नीचे का पहले जागृत होगा, फिर ऊपर उठने, आपको ऐसे हलचल सी महसूस होगी, वाइब्रेशन, और आपके जो अनहद नाद है वो सुनाई देने लग जाएगा पहली बार में ही। नहीं तो 11 बार लगातार करने के बाद तो थोड़े बहुत जो साधना करते आ रहे हैं उनको निश्चित ही सुनने लग जाएगा। तो यही सब कुछ है, श्वास रोकने से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र होगी। तो जो भी देखो, जिन साधकों को सांस की प्रॉब्लम है ना, वो साधक इसको ना करे, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम वालों को फिर दिक्कत होती है। कई कमेंट आते हैं कि हमें सांस की प्रॉब्लम है, वो ये इस प्रक्रिया को ना करें।
वो और सारे बहुत सारे साधन उनको अपना ले। तो आपको ऐसा लगातार पहले 11 बार सांस लेनी है, फिर जितनी देर सांस रोके फिर रोकनी है, फिर छोड़ देनी है। प्रतिदिन सुबह 11 बार करें और रात को 11 बार सोते समय करें। दिन में टाइम लग जाए तो करें, ज्यादा से ज्यादा करें, अन्यथा 2 बार तो जरूर करें सुबह और शाम। अगर आपने निरंतरता से ऐसा कर लिया तो वो चमत्कारी परिणाम मिलेंगे प्यारे भक्तों, जिनका हम आपको वाणी से तो बता ही नहीं सकते और इस वीडियो में भी नहीं समा सकते, क्योंकि वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप इतना समझ ले कि ये बहुत ही सर्वोत्तम साधन है और इसी से आप सब कुछ पा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए भगवान प्राप्ति ही हो गई, तो बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं प्यारे भक्तों। लेकिन निरंतरता और विश्वास, ये दो चीजें बहुत ही आवश्यक है, जो हम अपने प्रत्येक वीडियो में बताते हैं। अगर आप निरंतर नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। निरंतर करना है चाहे आप थोड़ी देर करें, और देखो जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। जितनी देर आपकी श्वास रुकती है उतनी देर आराम से रोकें और फिर छोड़ दें, फिर श्वास भर लें और फिर रोकें, ऐसे ये प्रक्रिया करना है। और आप है ना, अभी वीडियो खत्म होने के बाद करके देखना, आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। किसी को हृदय के पास वाइब्रेशन होती मिलेगी, किसी को यहाँ मिलेगी, किसी को आज्ञा चक्र में ही होने लग जाएगी। और जब एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये प्रक्रिया करें सीधा बैठ जाना और अपनी आंखें बंद कर लेनी है, शांत मन हो जाएगा और आपका ध्यान यहाँ भी लगेगा, अनंत लाभ मिलेंगे, अनंत हम इस वाणी से बता नहीं सकते। बाकी प्यारे भक्तों हम तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, विश्वास आपके इससे काम कर नहीं सकते, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। और हाँ, अभ्यास भी आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।